नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ट्रम्प जीत गया, क्योंकि आज ईशान जी हमारे साथ हैं। एक हमने प्रॉमिस किया था आपको कि हम वेंचर कैपिटल शुरू करेंगे। जितने भी सनातनी पूरे दुनिया में हैं, आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, वी यू प्लीज ब्रिंग इट टू अस और हम उसकी फंडिंग का इंतजाम करवाएंगे। अब ईशान जी हमारे साथ हैं, ये पूरा कोरम हमारा पूरा हो गया है ये वेंचर कैपिटल का। आज ईशान जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम से आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि जय श्री राम ही एक नारा है जो हमने मुहिम शुरू करी है पूरे भारत में, और आज आप हैं सेंटर पीस में, तो शुरुआत आपसे। जय श्री राम सुमित जी, जय श्री राम संतीश जय श्री राम। सजीव जी, अब आपको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आप घर घर में घुस चुके हैं। तो संजीव जी, आज आप और मैं दोनों मिलकर ईशान से पूछेंगे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं। वेंचर कैपिटल कैसे चलाना है, क्या करना है, फंडिंग कैसे करवानी है, ये पूरी टीम हमारी आज पूरी हो गई। तो ईशान जी, पहले तो क्वेश्चन ये है कि ट्रम्प के जीतने के बाद आपको लगता है कि जैसे एक, मैं वैसे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जी प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या वो बढ़ने वाली हैं, पहली बात भारत के अंदर, और दूसरा क्या जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ेगी या कम होगी? ये दोनों में ना मतलब रहेगा कुछ हद तक मिक्स, लेकिन पॉजिटिव साइड पे थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि तो देखा है तो ट्रम्प के आने के बाद वो मेजर कोशिश करेगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके वहां की है वहां पे वापस वो ठीक करे, जिससे जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या जो हाई टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो इन्वेस्टमेंट वो अमेरिका के अंदर खींचेगा कहीं ना कहीं। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट जो इंडिया पे आएगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंडिया इज कंपनी जो डायरेक्टली टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आती, वो टेक्निकल आउटसोर्सिंग में आती है। तो वो सपोर्ट सर्विसेज के थ्रू या आप कह लो या टेक्निकल प्रोवेस के थ्रू या सबसे भी ऊपर जो स्टाफिंग है टेक्निकल वो प्रोवाइड करने वो इंडिया इंडिया उनको सपोर्ट करने वाला है। हम पिछले 10 ईयर में भी देख चुके हैं, और आज की डेट में तो चलो वो तो चलो यूएस की इकोनॉमी में ही जा रहे हैं, जहाँ पे मेजर सीईओज भी इवन टेक्निकल कंपनीज के इंडियन बन गए, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पे उसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं आया, इनडायरेक्टली आया उसका भी। लेकिन इधर ही है कि जितने ज्यादा ये वहाँ की इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, इंडिया के पास भी सर्विस सेक्टर के अंदर वर्क बढ़ेगा, तो इंडियन प्राइवेट इक्विटी फर्म जो टेक्निकल साइड पे या पे है उधर ज्यादा पॉजिटिव आएगा। इवन जो इंडियन टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, जो नई नई एप्स आ रही हैं AI बेस या इंडिया के अंदर भी आ रहे हैं, तो उधर अमेरिका भी बड़ा खुल डुल के सपोर्ट करने वाला है। एज देखा जाए तो ट्रम्प जी हैं वो हिंदुस्तान को बड़ा पसंद करते हैं। दूसरा ये है कि जो उनकी नीतियां हैं, जो वो चाइना के इकोसिस्टम के ऊपर भी जो किसी सपोर्ट सर्विसेज वो लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके बिल्कुल 1-to-1 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इंडिया की ही दिखती है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि उस लेवल का स्टाफ भी इंडिया प्रोवाइड करा सकता है, और देखा जाए तो वो स्किल सेट भी कहीं ना कहीं इंडिया वाले वो अचीव वो रखते हैं अपने पास, इफ नॉट अचीव वो अपने पास रखते हैं। तभी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज में इंडिया भी कर रहा है, जैसे एक इंडिया के अंदर ही वर्ल्ड का फास्टेस्ट हाइपर लूप क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स है जो फंडिंग को देख रहे हैं इंडिया के अंदर, वो ट्रम्प के आने से हो सकता है कि अमेरिकन फंडिंग या वो इधर पॉसिबल हो पाए, और वहां पे जो मेन जो वहां की मैन्युफैक्चरिंग है हाईली टेक्निकल, उधर ट्रम्प अगर वहां पे इंजेक्ट करते हैं फाइनेंस को, तो वो भी इवेंचुअली इंडिया को ही फायदा, उसको मोटा मोटी कुछ हद तक काफी पॉजिटिव मिलने वाला है। So दैट that मीन्स means कि कि जो जो स्टॉक स्टॉक मार्केट मार्केट है, है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लगता है कि ये राइज करने वाली है भारत की आफ्टर ट्रम्प हैज कम? हाँ, राइस करने वाली है, बस वो देखना पड़ेगा वो कितना राइस करते हैं कितना ही, क्योंकि अभी तक जो हमारे जो लिगेसी शेयर प्राइसेस हैं उसमें कुछ हद तक हल्का सा थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा शुरुआत में, लेकिन जो हमारे नए आईपीओ से उधर काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। लेकिन ऑल टुगेदर जो तो इंडियन की स्टॉक मार्केट है जो उसको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, उम्मीद तो यही की जा सकती है। और ट्रम्प के मोडस ऑपरेंडी और ट्रम्प के प्रोमिसेस को भी अगर रखा जाए, अगर वो अपने प्रोमिसेस फुलफिल करता है तो फिर वी कैन होप कि इंडिया के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। ईशान जी, आपने बहुत सही तरीके से समझाया, बट एक चीज और देखी गई कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री डिक्लेयर हुई तो यूएस डॉलर ने एकदम से उछाल मारी। पिछले 8 साल से सबसे हाईएस्ट लेवल पे यूएस डॉलर पहुंचा है, जिससे क्या हुआ कि ग्लोबल करेंसी मार्केट में रिपल इफेक्ट आया है। तो
आप क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है कि इंडियन करेंसी पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, मतलब क्या इंडियन करेंसी डिवैल्यू होगी या इंडियन करेंसी स्ट्रेंथन होगी, और साथ में एशिया की एशियन करेंसी मार्केट कैसे बिहेव करेगी इस डॉलर के उछाल की वजह से? देखो, डॉलर की उछाल की वजह से एशियन करेंसी पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, और मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की करेंसी स्ट्रेंथन होगी, बट हाँ इम्पैक्ट इसका काफी कम रहेगा कंपैरेटिवली दूसरे नेशंस, क्योंकि जहां डॉलर स्ट्रेंथन होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास ये फेवर है कि हम लोग जो मेजर धंधा कर रहे हैं अमेरिका के, वो डॉलर में कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज से हम आईआरआर में कर रहे हैं, बाकी जो फॉरेन कंट्रीज है जिन पे मेजर इम्पैक्ट आया खासकर एशियन कंट्रीज, वो चाइनीज करेंसी पे डिपेंडेंट थी ज्यादा, उस वजह से उनपे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। बिल्कुल ठीक बात है, अब सही कह रहे कि जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोई कंट्री नहीं है जिसकी करेंसी नीचे न गिरी हो, भारत की करेंसी अभी भी स्टेबल है। बिल्कुल सही है सर, इसलिए तो आपको बुलाया है, हम दोनों को तो इतनी समझ है नहीं इकोनॉमिक्स की, हमने बोला ईशान जी को पकड़ते हैं। सर एक चीज बताइए, गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी, और जैसे उन्होंने बोल दिया ट्रंप ने कि मैं तो क्रिप्टो पे काम करूंगा, तो क्रिप्टो पे काम करूंगा तो गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल, गोल्ड एंड सिल्वर पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर वो क्रिप्टो पे काम करेंगे कहीं ना कहीं जो पूरी वर्ल्ड वाइड डॉलराइजेशन की मूवमेंट चल रही है, तो वो उसका एक बैकअप प्लान है क्रिप्टो, और जहां क्रिप्टो आएगा, क्रिप्टो इज वर्चुअल गोल्ड कहीं ना कहीं, या हम उस तरीके से ही कंसिडर किया जाता है, तो लोग जो है वो फिजिकल गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाने की तरफ करेंगे, डिमांड बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियसली उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है, तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस जैसे डिमांड बढ़नी है उसके प्राइजेस भी हाइक होने हैं, जितना हमने अभी हाइक देखा है इससे प्रोपोर्शनलिटी बहुत ज्यादा और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे इनफैक्ट। अब तो ईशान जी, मैंने बहुत पहले एक प्रेडिक्शन करी थी कि आने वाले समय में शायद गोल्ड विल बी आउट ऑफ द रीच ऑफ अ कॉमन पर्सन, तो इस साल के एंड तक मेरी जो प्रेडिक्शन है कि 90,000 तक गोल्ड टच करेगा, और शायद अगले साल के एंड तक शायद 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम भी टच कर सकता है, तो जो आपकी बात है शायद उसी की वजह से ही ये हालात पैदा होंगे गोल्ड और सिल्वर की, कि आम इंसान की से बहुत दूर हो जाएगा, वो उसको खरीद नहीं पाएगा इतनी हाई प्राइस पे। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अपनी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो इलेक्शन स्पीच में भी कई बार इस बार का जिक्र करा कि अगर वो इलेक्ट होके आएंगे तो वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे काम करेंगे, डेट मीन जैसे इंडिया के अंदर में मोदी जी ने मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी को बहुत तेजी से बढ़ाया, उसको काफी ताकत दी, स्ट्रेंथन करा, कुछ उसी टाइप की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में लेके आना चाहते हैं, तो वो क्या, अगर वो इस टाइप की पॉलिसी लेके आते हैं तो क्या उससे कि वर्ल्ड ओवर में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या वापस यूएसए में शिफ्ट होने के चांसेस हैं, और क्या अगर शिफ्ट होते हैं तो उससे कौन सी कंट्री ज्यादा इफेक्ट होती है, और किस कंट्री को फायदा होता है, किसको नुकसान होता है? देखो संजीव सर, उसके अंदर तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बहुत है कि आजकल कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर खासकर अमेरिका और कनाडा के ना टैक्सेस भी उन लोगों ने ही इंट्रोड्यूस करे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए ये पूरे पूरे तरीके से तो फुल थ्रॉटल मोड में तो मैन्युफैक्चरिंग अपने अंदर करेंगे नहीं। हाँ, अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए जरूर बहुत हद तक मेजर जो है टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने पास ही रखेंगे वो, लेकिन जो कार्बन ओरिएंटेड ज्यादा जहाँ पे कार्बन कंजम्पशन ज्यादा होनी है वो सब वो आउटसाइड ही रखेंगे, अपनी बाउंड्री से बाहर ही रखेंगे, और अपने कार्बन फुटप्रिंट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग को मेरे को नहीं लगता कि इतने ज्यादा हाई लेवल पे अमेरिका के अंदर लेके आएंगे वो वापस। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इतना आसान भी नहीं है क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट ज्यादा है, ये काम तो इंडिया और चाइना ही करेगा, यानी कि इनके चम्मच बाल्टियां हमने ही बनाने हैं। मुझे लगता है कि बाल्टियां अब चाइना बनाएगा और चमचे तो हम वैसे ही हर रोज प्रोड्यूस करते हैं, वो तो हम बेचते ही रहेंगे। तो सर ये बताइए स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि स्टॉक मार्केट का मुद्दा बहुत लोगों ने पूछा है, कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, कौन सी पे नेगेटिव आने वाला है ट्रंप के जीतने के बाद? देखो, ट्रंप के जीतने के बाद अगर देखा है तो जैसे हमने कहा कि अपने जो ऑयल रिजर्व्स वगैरह वो खोलने वाला है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं उस पर कहीं ना कहीं जो दूसरे नेशंस की इकोनॉमीज है उस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, खासकर जो पेट्रोकेमिकल्स वगैरह जो दूसरे नेशंस वगैरह में उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने की काफी बड़ी संभावना है दिख रही है इधर, क्योंकि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा इस चीज को।
और वहीं जो दूसरे प्रोडक्ट है, जैसे कि अभी कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से भी कहा था, तो फार्मास्यूटिकल जैसे इंडस्ट्री है, वहां पे कार्बन कंजम्पशन बहुत हाई है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव भी और बहुत ज्यादा वो केमिकल इंटेंसिव भी है, उस वजह से हमारे कार्बन एक्सक्रीशन भी बहुत होता है एनवायरमेंट के अंदर, तो वो उसका इंडिया के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब है कहीं ना कहीं रहा है, खासकर आयुर्वेदा वगैरह का। इंडिया ने कुछ हद तक अपना ये कार्बन सिस्टम मैनेज किया हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो उस वजह से लगता है कि हाँ, इंडिया को उसका पॉजिटिव इंपैक्ट मिलने के आसार है। टेक्निकल कंपनीज या टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स को भी काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा यहाँ से, जो हमारे लीगेसी पिछले डेकेड में रहे थे, बड़े आईपीओ, बड़े ये स्टॉक्स रहे थे, खासकर ये इंफोसिस वगैरह, इनके हो गए, इनके आप देखेंगे दोबारा और ज्यादा तेजी से बूस्टअप करेंगे, और इस तरीके की दूसरी कंपनीज उन पे भी जरूर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। और डिफेंस वाले जॉइंट वेंचर्स जो शुरू होंगे, तो डिफेंस में भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी में भी, और उसका, क्योंकि अभी जो डिफेंस के नए एग्रीमेंट्स हैं नोट, वो कहीं ना कहीं स्पेस सेक्टर में भी जो वर्क कर रहे हैं उसके अंदर काफी मेजॉरिटी कंपनीज हुई हैं जो ऑलरेडी डिफेंस के अंदर वर्क कर रही थी, और स्पेस सेक्टर का, और उनका हमें पता है कि उनका स्पीयर हेड और फ्लैग बियरर कौन थे, ट्रंप जी के, एलन मस्क जी थे, और एलन मस्क जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स, और जहां स्पेस एक्स आया वहां पे कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम आने स्पेस से रिलेटेड, वो सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री स्टेब्लिश होने जा रही है जो और देशों में भी हेल्प करने वाली है, और स्टारलिंक कहीं ना कहीं इंडिया में आ रहा है, तो इसका देखने वाली बात होगी कितना पॉजिटिव इंपैक्ट वो इंडियन सिस्टम में भी आ पाता है उसका, नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट में और पूरी हर चीज में, हमारे कम्युनिकेशन में, वो उसमें बहुत हद तक पॉजिटिव इंपैक्ट आने की आसार दिख रहे हैं। ईशान जी, इंडिया यूएसए का हमेशा से ही एक सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइडर रहा है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो या उनकी जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो आईटी सर्विसेज के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अब क्या ये अमेरिका विल लुक इनसाइड, या अभी भी आईटी सर्विसेज के लिए वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स की डेवलप कराएगा ऑफलोड कराएगा इंडिया के अंदर ही, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव एरिया में जहाँ पे जो हब्स क्रिएट हो रखे आईटी के सेक्टर के, क्या वो इसे बेनिफिट पहले की तरह ही पाते रहेंगे या कुछ फर्क आएगा उसके अंदर? जी, मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई मेजर फर्क आया, जो फर्क आना भी है पॉजिटिव साइड पे ही आना है, क्योंकि देखा है यहाँ पे अगर हम इसके दूसरा एंगल भी देखते हैं, अगर हम अमेरिका को सेंट्रल करना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाली बात भी करते हैं, तो एंड ऑफ द डे जहाँ पे अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वहां पे इंडिया की आउटसोर्सिंग इकोनॉमी जो है वो वापस बूस्टअप करेगी, क्योंकि पिछले डेकेड के अंदर अगर हमने देखा था तो इंडिया की प्रोडक्ट मार्केट काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन वही कहीं ना कहीं जो इंडिया की सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो थी उसके अंदर प्रोजेक्ट्स तो आ रहे थे, लेकिन वो वैल्यूएशन वगैरह थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हुई थी, क्योंकि सर्विस उनको वहीं पे इन हाउस मिलने लग गई थी, क्योंकि यहाँ से जो इंडिया के जो एम्प्लॉयज वर्क स्ट्रक्चर वगैरह थे यहाँ से उन्होंने स्टाफ इंपोर्ट कर लिया था, तो उन्होंने लोकलाइज कर लिया था ये सारा, तो कहीं ना कहीं जब वो अपनी लोकल स्टाफ को इन हाउस करेंगे तो उनके ऑब्वियसली उनके रेमुनरेशन भी काफी हाई है अमेरिकन पीपल के, तो कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए वो इंडिया को कुछ हद तक कुछ पोर्शन ऑफ सर्विस आउटसोर्स जरूर होगी, और वो थोड़ा इंक्रीज भी होगा, उसके अंदर थोड़ा मॉनिटरी बेनिफिट भी इस बार ही मिलेगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आईटी ऊपर तो समय आ गया, लेकिन डिफेंस के ऊपर मुझे अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो डिफेंस है उसका काम कैसे चलेगा, क्योंकि ट्रंप तो बोलते हैं कि मैंने युद्ध सारे रुकवा देने हैं, तो जो डिफेंस सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे भारत में एचईएल है, क्या इसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी? जी, ये जरूर थोड़ी सी डिस्टर्ब हुआ, फोन आया था, तो हाँ जी, ये जो आपने सवाल पूछे बहुत अच्छा सवाल पूछा कि डिफेंस का जरूर थोड़ा वो सरप्राइजिंग रहेगा कि पॉजिटिव कैसे होगा। जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ स्पेस सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उसके मेजॉरिटी जो है वो ऑलरेडी डिफेंस के अंदर वर्क कर रही थी, क्योंकि जो स्पेस सेक्टर के अंदर हमें जो सोफेस्टिकेशन चाहिए मशीनरी की या हमारे इवन फैब्रिक्स की, वो सब हमारे डिफेंस लेवल के ही क्वालिटी के हैं, और इनफैक्ट वो उससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी के चाहिए, तो वो जो छोटा सा पिवट हुआ है डिफेंस इंडस्ट्री के जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स हैं, करंट मैन्युफैक्चरर जो वो स्पेस साइड पे इस समय पिवट करने ही कर रहे हैं, एक तो वो सेक्टर को बूस्ट मिला, दूसरा ये है कि वो करंट वॉर्स
जो है वो जरूर रोकने का ट्रंप ने वादा किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और भी मतलब कहीं ना कहीं हैपनिंग्स हो रही हैं, खासकर चाइना ताइवान की, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो लगता नहीं कि पूरे तरीके से जो है ये लड़ाई है ये रुकने वाली है, ये दूसरी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने वाले हैं, खासकर जो मतलब एंटी यूएस पावर्स जो है उधर तो इंक्लिनेशन की तैयारियां हो रही हैं। सबसे बड़ा इसमें देखने वाली बात वो ये चाइना और ताइवान वाले ही होगा कि वो उसका क्या होता है, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है ये। लेकिन लगता नहीं कि पूरे तरीके से वो रुकेगी कुछ। हाँ, मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है खासकर रशिया यूक्रेन टाइप के, ऐसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट जरूर रुक जाएंगे जो अभी फिलहाल रनिंग में। तो यानी कि ये डिफेंस सेक्टर बढ़ने वाला है सर। ईशान जी देखिए, हमने देखा कि इंडिया के अंदर जैसे ही जीडीपी ग्रोथ बढ़ी पिछले 10 साल से लगातार इंडिया एक अच्छी और स्टडी जीडीपी ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जितने भी अब टाउन्स हैं, जितने भी किसी भी ए ग्रेड या बी ग्रेड टाउन में चले जाइए, तो टायर वन टायर टू सिटी में चले जाइए, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर कोई कमा रहा है, हर कोई पैसा लगा रहा है, और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो अगर यूएसए इन्वर्ट पॉलिसी अगर लेके आता है कि अमेरिका फर्स्ट करके, तो डेट मीन्स अगर वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे डेवलपमेंट होगी, तो वो उससे क्या कि अमेरिका से अमेरिका के प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलेगा, या वर्ल्ड ओवर से जो मटेरियल मूव करेगा उस कंट्री में उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उससे बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी को भी उसका फायदा होगा। ये जो आपने सवाल पूछा है इसी के अंदर आपका जवाब छुपा हुआ है, जहाँ पे वो जो आपने सवाल के अंदर ही कहा है कि जो मैन्युफैक्चर कर रही है उसके तरीके का मटेरियल वगैरह जो बना रही है वो अरेंज करना ही होगा, और वो वहीं से ही वो मतलब जो करते हैं तो वो उल्टा वहां पे धंधा बढ़ेगा। और दूसरी चीज देखी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जी काफी बड़े रियल एस्टेट प्लेयर रह चुके ग्लोबल लेवल पे, तो जहां वो ग्लोबल लेवल के रियल एस्टेट प्लेयर हैं, तो उनके इंडिया में भी काफी अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर उनकी मैं कॉल पे हूँ ना, हेलो, हाँ जी, सॉरी, हाँ थोड़ा नेट, हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि उनके इंडिया के अंदर भी काफी अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इन्वेस्टमेंट्स नहीं है सॉरी, यूएस की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इंडिया के बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, तो वो जरूर आगे बढ़ेंगी। और जहां तक की देखा जाए जो वहां पे बूस्टअप अगर रियल एस्टेट वहां का करेगा मैन्युफैक्चर जो है दूसरे कंट्रीज में तो अवेलेबल है उन रॉ मटेरियल्स का, खासकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का या इन बाकी और सपोर्टिंग चीजों का, उधर तो बहुत अच्छा अब प्रभाव पड़ना है, उधर भी मतलब बेसिकली धंधा बढ़ना है, कम नहीं होना है यहाँ से। बिल्कुल ठीक है, धंधा बढ़ना है, रियल एस्टेट भी राइज करेगा। सर आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे लगता है आपके घर से फोन आ रहे हैं बार बार, तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऑयल के जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे? ऑयल के रेट, तो ये तो काफी लाजवाब क्वेश्चन आपने पूछा है, मतलब इसका मैं जवाब इस तरीके देना चाहूंगा, अगर वो अपने ऑयल रिजर्व्स खोल रहे हैं ट्रंप जी अपने वादे के मुताबिक, फिर तो ये बहुत हद तक ऑयल रिजर्व्स को ऑयल के रेट्स को ग्लोबली घटाएंगे, और यही वजह होगी कि कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग वॉर्स जो अभी करेंटली चल रही है वो रुकेंगी, और इसका एक करेंसीज पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना है कि वहां पे जो बेसिकली जो लोगों की एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, तो लोगों की जो डोमेस्टिक इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, सेविंग बढ़ जाएगी लोगों की मेजर लेवल पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर सेविंग बढ़ेगी तो सर जीडीपी में जो है उछाल आना शुरू होएगा, तो भारत की जीडीपी भी बढ़ने वाली है। क्या हाई नोट पे आपने आज का डिस्कशन खत्म किया है कि भारत के सारी उंगलियां जो हैं वो घी के अंदर हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ने वाली है, डिफेंस सेक्टर बढ़ने वाला है, फार्मा बढ़ने वाला है, रियल एस्टेट बढ़ने वाला है, और तो और हमारा जो ऑयल का रेट कम होगा तो हमारी यहाँ पर कंजम्पशन भी बढ़ेगी और उससे जीडीपी बढ़ने वाली है, यानी कि जो $5 trillion की इकोनॉमी 2027 में होनी थी वो 25-26 में हो जाएगी। ईशान जी, मुझे लगता है कि आज आपने आकर बड़े लोगों के जो एक भ्रम था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रंप ने बटा बैठा देना है कि पॉजिटिव आएगा, तो भारत के लिए पॉजिटिव है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज़।
संजीव जी आपका क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि आप सबसे सीनियर हैं, हम तो बच्चे हैं। अभी 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 तक जितने भी पैरामीटर्स पर हमने बात करी है उस पे इंडिया के लिए हर हर मतलब उसने हर ब्लॉक को टिक करा है और टिक भी करा पॉजिटिव साइड पे, मतलब इंडिया के लिए हर तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव तरीके से है अमेरिका के साथ जुड़ के आगे मिलके काम करने में। और ट्रंप भी जानते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं पे अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगर वर्ल्ड पावर्स जो उनके अगेंस्ट में है, अगर उनके अगेंस्ट उनको उनको फर्म एक्शन लेना है या उनके अगेंस्ट उनको काम करना है या उनके उनके अगेंस्ट रहकर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो कहीं ना कहीं पे उनको एक स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहिए, तभी वो काम हो पाएगा, तभी वो उनका उनका जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव हो पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इंडिया हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन इकोनॉमी के फेवर में है, और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप पहले भी जानते थे, अभी भी उनको पता है। और जैसे ही वो इलेक्शन जीते हैं तो सबसे पहली जो लंबी वार्तालाप हुई है लगभग 20 मिनट की, वो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में हुई है। तो इससे बड़ा क्या आप किसी को एक प्रूफ मिल सकता है कि आने वाले दिनों में ये दोनों वर्ल्ड लीडर्स मिलकर कितना बढ़िया काम कर सकते हैं, बहुत पूरी पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको एक नई दिशा दे सकते हैं, उसको शेप कर सकते हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है मोदी जी ने बात किया होगा कि यार मेरे घर के पास एक कुत्ता भौंक रहा है, इसका क्या करूं, और ट्रंप ने बोल दिया होगा पूंछ काट दे यार, तो ये मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो अब ये किसकी पूंछ कटेगी और कुत्ता कौन है मुझे बताने की जरूरत है, वैसे भी आपके पीछे से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ भी रही है, मोदी जी तक वो बहुत पहुँच गई है। तो सर थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया बात करके आज आप सबके साथ, एंड आई होप जो सुन रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। ईशान जी की पकड़ बहुत अच्छी है, एंड डू नॉट फॉरगेट अगर आपके पास भी कोई जबरदस्त आइडिया है, आपको फंडिंग चाहिए, वेंचर कैपिटल चाहिए, बट प्लीज़ ये मत बोल देना कि यार मैंने दुकान खोलनी है 10 लाख रुपए चाहिए, हमें 10 लाख रुपए दे दो, उसके लिए ये काम नहीं है। दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर सम ग्रेट आइडियाज़ जिसके ऊपर हम भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है प्लीज़ ब्रिंग टू अस, फंडिंग हम अरेंज करके देंगे। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम।